भाई कोई होंगे वो अपना आलू लेके जा रहे हैं और ये आलू जो है गढ़ाई के लिए गढ़ाई होने जा रहा है। और ये आप लोग देख पा रहे हो ये अभी ट्रैक्टर से जा रहा है, ये गढ़ाई होने के लिए ही आलू जा रहा है 100%, क्योंकि इसमें बीजा नज़र आ रहा है मेरे को, बीजा वाला आलू है ना। जिस चीज़ का इंतजार रहता था ना हम लोगों को भाई यार आलू की बिजाई वगैरह शुरू हुई या नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आलू की बिजाई वगैरह शुरू होने का काम काज शुरू हो गया है। अब ये लेके जाएंगे, सुखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तब भी 10-12 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे। 10-12 दिन में इसका आलू सूख पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, उसके बाद इसकी बुआई करी जाएगी। और अभी जो आलू रख रहे हैं मतलब अक्टूबर से पहले, वो आलू एक तरीका का उसमें जुआ हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि देखो भाई यार आलू जो है एक तरीका का मतलब अभी तो सिर्फ तैयारियाँ चल रही हैं, इसलिए कहा लग गया यही है ठीक है। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। आखिरकार आज वो चीज़ देखने को मिल ही गई है जिसका सभी को इंतज़ार था कि गढ़ाई के लिए जो आलू है उसकी निकासी शुरू हुई है या नहीं। अभी फ़िलहाल में हम उत्तर प्रदेश के फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट के कमालगंज के कौन सा कोल्ड लेक HM कोल्ड स्टोर के अंदर आ चुके हैं, जिसमें कि एक किसान भाई मुझे मिल चुके हैं और वह किसान भाई अपने आलू बुवाई करने के लिए आलू का बीजा निकालना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे भी देख पा रहे थे, यहाँ पे आलू का बीजा लगा हुआ है और ये 68 पैकेट मतलब कई बीघा का आलू हो गया था, 14 बीघा आलू आप बुवाई करेंगे, तो 14 बीघा आलू की बुवाई करने जा रहे हैं दादा। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी हर साल करते थे या इसी बार उनको मतलब कुछ मतलब एक तरीके का जुआ समझ सकते हैं। इस बार तो जितना भी आलू है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, हो सकता बारिश भी हो जाए, तो एक तरीका का इसको जुआ कह सकते हैं कि जुआ है, अगर हो गया तो आर और नहीं तो वरना पार। तो वही चलो बैक कैमरे से थोड़ा दादा से बातचीत करते हैं। दादा इधर आ जाओ। तो हमारे साथ दादाजी हैं, दादा क्या नाम आपका? शफीक हुसैन जी हैं। और सबसे पहले आपको हम आलू दिखा देते हैं, इन्होंने ये कितने कट्टी लगी हैं? ये 18 कट्टी निकाली हैं, जो कि बीजा आलू है। ये आलू जो है बीजा वाला है, ठीक है, और बीजा वाला आलू है और इसको अभी ये जो है निकाल लिया है। और कट्टी भी आप निकालने जा रहे हो क्या? कितनी कट्टी और निकलने को है? 50 कट्टी और निकालने को है आपकी। तो कितना कट्टा? 68 कट्टा गाड़ रहे हो, 69 कट्टा। तो ये बताओ कि इतना जल्दी क्यों गाड़ रहे हो? अच्छा पहले भी इतनी जल्दी गढ़ाई करते थे या इधर ज्यादा ही पहले गाड़ रहे हो? गढ़ाई कब करोगे? आज से कई दिन बाद? अभी ले जाके इसकी दवाई ववाई लगा के सब तैयार करोगे, 10 दिन बाद गढ़ाई होने लगेगी। तो आप ही अपने क्षेत्र में पहली बार निकाल रहे हो और कोई भी निकाल चुके हैं? आपका खुद का बीजा है? अच्छा, अगर इसको खरीदेंगे आप इसको क्या रेट में बेचना चाहेंगे? अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहे नहीं, अगर ऐसा हो तो क्या रेट में मिल जाएगा किसी को? ये काय का बीजा है? ख्याति पुखराज काय का? ये ख्याति का बीजा है, दादा का खुद का है मैं लग रहा है, इन्होंने अपना खुद का बीजा रखा था। दादा एक काम करो, खोल के दिखा दो थोड़ा। चलो खोल के क्या, बेचने के लिए तो है नहीं भाई, पर्सनल लेके जा रहे क्या मतलब होता है उससे? तो अगर बेचने के लिए होता तो आपको दिखा देते हम। तो अगर कोई लेना चाहे तो क्या ख्याति पुखराज का बीजा आपके पास इधर मिल जाए? 1,550 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा, और आपका और किसी का बीजा, ये न्यू हॉलैंड का बीजा वगैरह बेचा? चिपसोना का कैरेट। अच्छा, तो क्या है कि अभी जो है 10 दिन बाद आलू की बुवाई शुरू हो जाएगी और ये दादा जो है जरारी क्षेत्र से आए हुए हैं, जरारी क्षेत्र में लगभग आप ही की बुवाई शुरू करेंगे या और कोई भी साथ में आपके? सबसे फर्स्ट नंबर बाजी आप। चलो कोई नहीं, जिस दिन आप बुवाई करना उस दिन आप हमें फ़ोन कर देना, बताना और आके वीडियो वगैरह बनाएंगे, देखेंगे कैसे का बुवाई आप कर रहे हैं। बाद बाकी जो है आप लोगों ने देख लिया है कि अब बुवाई जो है धीरे धीरे करके लोग बाग बुवाई करना शुरू कर दिए। दादा और बताओ क्या कैसा हाल चाल है, निकासी कासी कैसी है? नहीं आलू अंदर कोल्ड से निकासी अंदर कैसी है? मतलब सही है, घाटा तो नहीं होगा किसानों को?
मतलब किसानों को घाटा तो नहीं होगा? उस टाइम कच्चे उस टाइम आलू सही बिक रहा था, वो पैसा नहीं मिल रहा यार। हाँ हाँ भाई, तो आजकल दम दाम कम हो गया ना इसलिए। अच्छा, तो आपका आलू इसी कोल्ड में ज्यादा रखते हो या और कोई? कोल्ड हर कोल्ड में भी जिस तरीके से मुनाफा मिलना चाहिए उस तरीके से मुनाफा। चलिए बाद बाकी, अब जो है इस कोल्ड स्टोर के जो है ना ओनर हैं उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको कोल्ड स्टोर से बीजा ईजा जो भाव है वो क्या भाव में है, कितना बीजा रखा है, कितना परसेंट बीजा होगा कोल्ड में। 15% आलू बीजा रखा है, 15% बस नहीं लेकिन रखे बीज मतलब बहुत कम रखा है, जैसे 20-25% तो होता ही है बीजा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बाद बाकी हम लोग जो है इस कोल्ड स्टोर के ओनर उनसे बातचीत करेंगे। आप इस कोल्ड स्टोर के जो ओनर हैं मालिक हैं भैया, क्या नाम आपका? राहत हयात नाम है भैया का। और अभी इस कोल्ड स्टोर का नाम क्या साहब? HM कोल्ड स्टोर है जो कि फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट के कमालगंज में पड़ता है। साहब अपने कोल्ड स्टोर से अभी लगभग 6 सितंबर हो चुका है, आलू की बीजा वगैरह की निकासी होने लगी है या नहीं? ना के बराबर मतलब इक्का दुक्का। 10 तारीख के आसपास व्यापारी आने को हैं। 10 तारीख को व्यापारी कहाँ से आने को हैं? बिहार है, झारखंड है। हर बार आते हैं वो लोग? अच्छा, फोन उन करके आते होंगे ना भैया कब आए क्या ऐसा? कुछ व्यापारी हमारे हैं लगभग 20-25 साल से जुड़े हैं, वो यहीं आते हैं, यहीं बीजा खरीदते हैं, यहीं बीजा वगैरह खरीदते हैं या किसानों का रखा होता हो? बाहर का तो नहीं आता है। हाँ, हर बार जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वही आते हैं, वही आ जाते हैं, मतलब उनको विश्वास है कि हमें उसी कोल्ड से बीजा लेना है, अच्छा मिलता है। अच्छा, अभी एक किसान भाई मिले थे जिनका जो कि ये आलू लगा है वो अपना खुद का बीजा निकाल के ले जा रहे हैं, बाद बाकी और कोई बीजा की बिक्री भी ना के बराबर हुई होगी, पर्चियाँ जमा होने लगी होंगी साहब। अच्छा, किसी की 10 तारीख की है, किसी की 11 की है, लगभग 10 तारीख से 15 तारीख तक बिक्री चालू है। अच्छा, अपने कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी कितनी है? हमारे कोल्ड की 1,80,000 कैपेसिटी है। और जो है भर पूरा भर गया होगा? हाँ, इस साल पूरा, इस साल पूरे ही भर गया था। अच्छा अच्छा, तो निकासी वगैरह कैसी क्या है? सही ऐसा है, किसान भाई इस समय भ्रमित हैं कि मतलब आलू जो है दाम गिरता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, तो किसानों के अच्छे के लिए आपकी राय क्या है? किसानों की अच्छे के दे दीजिए, सब्जी है कभी भी ऊपर जा सकती है। हाँ, सही है। अगर कोल्ड वाला अगर किसी किसान से कह भी दे कि आप अपना आलू निकाल के बेच दीजिए और कल को बाई चांस बढ़ जाए तो वो काश्तकार खुद कोल्ड वाले को फिर ब्लेम करेगा कि आपने हमारा आलू बिकवा दिया, दूरी दूर रहो तो ठीक है। भैया मेरा काम था रखने का, आपका आलू सुरक्षित रखने का, वो मैंने रखा, अब आपकी मर्जी बेचो या फेंको। नहीं, हमने देखा है कुछ कोल्ड वाले होते हैं ना प्रेशर डालते हैं, भैया यार माल निकालो, समय कम है माल निकालो, और बाद में अगर ये होगा तो भाई उसका तो दर्द होगा किसान को। 4 साल से ऐसा हो रहा है, जैसे पिछली आप देख, हाँ हाँ हाँ, शुरू में आलू बहुत रहा, फिर एकदम बारिश हो गई, जो लोग बेच चुके थे हाँ, फिर वो लोगों ने फिर कहा कि यार तुमने हमारा आलू गिरवा दिया, खुद खरीदा भी बेचारों ने, मतलब नुकसान हो गया था। अब भाई साहब अगर बारिश लेट हो जाती है तो आज अगर 600 रुपए में तो आलू 600 रुपए में थोड़ी हो पाएगा, तो 700 रुपए 800 रुपए। अच्छा, अपने आल फरकाबाद में निकासी कई परसेंट होगी अभी तक? लगभग 35-40% हो गई होगी, और बीजा होगा लगभग 25-30% होगा, अब बचा होगा 30-35% आलू, वो निकल जाएगा। आलू तो देखिए ज़्यादा है, आलू वैसे अक्टूबर में पिछली साल छोड़ के अक्टूबर में हम लोग ख़त्म कर देते थे, मतलब पिछली साल भी नवंबर तक आलू चला और इस साल भी नवंबर तक ही आलू चलेगा। हाँ, मतलब इस बार भी लगभग महीने ओवर जाएंगे, जबकि चाहे ऊपर से सरकार बोले चाहे कुछ भी, वो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, लेकिन कोई नहीं, अगर किसानों के हित में काम करना है थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा साहब। तो क्या साहब मतलब अपने क्षेत्र में अगौती आलू की बुवाई वगैरह जो है पहले कब से प्रारंभ होती थी और अब की बार कब से होगी? बस आप ऐसा है, अगौती हमारे यहाँ लगभग जो है सब सफ़ेद आलू होता है। हाँ हाँ, आप कोई क्राफ्ट करेंगे लाल आलू है वो सब पक्का आलू करते हैं स्टोर के लिए। हाँ हाँ हाँ, सब टोटल सफ़ेद आलू होता है, कच्ची सीजन का ही है, पीक पकड़ता है अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में मतलब बहुत स्पीड से 3 महीने चाहिए होते हैं, 2.5-3 महीने। हाँ, आदमी जो है तुरंत आती है पुखराजे आलू करके आदमी कच्ची भी ले लेता है। हाँ, और नहीं तो अपना गेहूँ है या दोबारा करके उसको अपने खेत में कर लेता। अपने कोल्ड स्टोर में चिप्स होना शुगर फ्री का भी चैम्बर है,
अच्छा, तो ये सारी सुविधाएं आप किसान भाइयों को देते हैं। अपने कोल्ड स्टोर से किसान भाइयों से एक कट्टे का भाड़ा कितना लेते हैं साहब? मेरा भाड़ा समथिंग 130 रुपए। 130 रुपए सभी, मतलब सभी आलू का या चिप्स होना शुगर फ्री? शुगर फ्री अलग। कितना उसका है? शुगर फ्री उसका लगभग 20 रुपए अलग होता है। अच्छा, उसका दबा वा लगती है, लोग बताते हैं कुछ ऐसा होता है। अच्छा, तो ये स्थिति है। और आप किसान भाई से आपको सीधा मिलवा देते हैं। किसान भाई जो है आलू बुवाई के लिए जो लेके जा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि बुवाई वगैरह कब से प्रारंभ होगी?